लगभग नाश्ता आ गया हुआ है तुम्हारे भाई का, ये चेक करो, हलवा पूड़ी साथ में भाई चने ये चेक करो। मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने लगा था, ठीक है, ये फ्री फलस्तीन की जो है ना रैली, ये चेक करो। मेरा दिमाग ना QRF वालों ने खराब किया हुआ है यार, ऐसी की तैसी मेन गेट पे गया हूँ, मेन गेट का यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं, अजीब। अभी मैं ना पूरा यूनिवर्सिटी में एंटर भी नहीं हुआ, गेट पे पहला गार्ड खड़ा हुआ था, ठीक है, पीछे शायद नजर आ रहा हो, उसने कहा ओ हेलो कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, आज का माहौल चेक करो, आज जो है ना हवा में थोड़ी थोड़ी मट्टी है, और आपका भाई जो है चेक करो भाई, सी अभी भाई ने चमका लिया था, खैर यो सीन हो गया। चलो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं जानता हूँ, मुझे पता है यार कि मैं ये व्लॉग तकरीबन कोई 2 हफ्ते के बाद पोस्ट कर रहा हूँ, बट यार मेरी मजबूरी को समझो, मेरी मसरूफियत को समझो। खैर छोड़ो, सुनाओ क्या हाल वाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है यार? मसरूफियत ना कुछ इस तरह से थी, चलो छोड़ो मसरूफियत को भी छोड़ो, ये चेक करो ज़रा जी को, हाँ 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 चेक करो, कल आपके भाई ने इस पर किया खर्चा, भाई साहब इसकी ट्यूनिंग शनिंग करवाई है, सही है, और साथ में इसकी थोड़ा ना सेटिंग वेटिंग करवाई है, सर्विस करवाई है, फुल लो यो सीन हो गया, यश हो गया, लश हो गया भाई, ठीक है। खैर और आपका भाई जो है, आपका भाई भी जो है ना ज़रा अपने लश माहौल से ना निकल चुका हुआ है, पता क्यों? स्किन केयर प्रॉपर की नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है स्किन का भी, और अब शुक्र है कुछ जाके थोड़ा सा ना मौसम सेट हुआ। चलो मौसम भी दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये चेक करो यार, अभी ना मैं फिलहाल मैं आया हूँ, ये सारे ना इस लाइन में ना सारे के सारे, ये देखो ग्रीन बोर्ड इधर शो हो रहा है, ग्रीन बोर्ड, ये भी पीछे एक ऑफिस है, ठीक है, सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो आज संडे है तो व्लॉग कर लेते हैं, ये पोस्ट होगा इंशाल्लाह कोई मंडे को या ट्यूसडे को, जैसे ही मेरी मसरूफियत खत्म होगी। मसरूफियत क्या है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट है और यूनिवर्सिटी जाता हूँ, चाहे कभी 4 बजे वापस आता हूँ, कभी 5 बजे वापस आता हूँ, शाम को जाना होता है जिम, जाना होता है शाम को, फिर उसके अलावा अगर आप 2-3 मामला और भी थे इस वजह से। खैर टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह व्लॉग निकालते हैं, और आप लोग यार सपोर्ट किया करो, मुझे तो लगता है कि मैंने जिन दिनों में रेगुलर व्लॉग्स निकालना स्टार्ट किए हैं, जिन दिनों में माशाल्लाह से व्यूज़ पढ़ना स्टार्ट किए हैं मेरे चैनल पर, वो जनाब साहब उस टाइम की लगी नज़र, POV नज़र इज़ रियल, ठीक है ना, ये बात तो कन्फर्म है, नज़र जो है वो तो रियल होती है, और ये बात 100% श्योर है, नज़र लग जाती है अपने भाई को बहुत जल्दी, जेड़ी मर्जी शायद हाथ पा लो नज़र लग जाती है। खैर चलो चलते हैं अभी, हाँ अभी का सीन ये है कि ना मैंने जाना है, एक भाई है, दोस्त है, उसके साथ मेरा मीटअप है, नाश्ता कर रहा हूँ, हालांकि घर नाश्ता बना पड़ा है, बट उसने कहा था कि बाहर नाश्ता करते हैं हम कहीं, क्योंकि कल, अच्छा मज़े की बात चेक करो यार, मतलब कि ना ऐसी है कि उन्होंने मुझे कहा कि ना कल रात को हम ना कहीं मिलते हैं, परसों की मेरी बात हो रही है, मैंने कहा अच्छा यार सैटरडे का मैंने टाइम दे दी शाम को 8 बजे, अब शाम को 8 बजे मैं जिम, जनाब साहब जिम से वापस भी थका हुआ, मैं कहा नहीं यार अब घर चलते हैं, तो ये सीन हुआ, वो 3-3 दिन से मतलब टाइम दिया हुआ है कि भाई चलो इस दिन मिलते हैं, इस दिन मिलते हैं, इस दिन मिलते हैं, फिर मैंने कहा संडे, अब घर नाश्ता बना पड़ा, मैं कहा चलो नाश्ते की कुर्बानी देते हैं, बाहर जाके मज़े से सुकून से नाश्ता करते हैं, ठीक है ये सीन हो जाएगा। खैर चलो चलते हैं, उधर जाके मिलता हूँ मैं आपको। तुम्हारा फिलहाल आ गया हुआ है सर सब रेस्टोरेंट एंड नान शॉप पे, ठीक है, यहाँ से नाश्ता आएगा तुम्हारा, सिटिंग हमारी है यहाँ पे, चलो भाई चलते हैं अंदर, क्यों माहौल है, खैर इधर का रिव्यू भी है, फूड फूड कर लेंगे। ओहो ये चेक करो भाई, यो सीन है, सिटिंग तो अच्छी है। खैर हम रिव्यू बनाएंगे इसका, कम्प्लीट रिव्यू जो है वो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये पीछे फैमिली हॉल है, ये यो सीन हो गया, आप बैठ के इधर करेंगे मजीद से नाश्ता, एंड इसको मैं छुपा देता हूँ, सब छोड़ो, सब कुछ इसको छोड़ो, समथिंग बिग कमिंग सून, ठीक है, ये तुम लोगों को नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है, समथिंग बिग कमिंग सून, ठीक है, समझ आ गई भाई की। और नाश्ता आ गया हुआ है तुम्हारे भाई का, ये चेक करो, हलवा पूड़ी साथ में भाई चने, और इसको ये प्रॉपर एक नाश्ता है, ठीक है, साथ में रोगनी नान है और हलीम की हाफ प्लेट, नाश्ता खींचते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। भाई लोग नाश्ता उस टाइम कर लिया था, घर आके आपका भाई जो है थोड़ा सा काम था वो कर रहा था, ठीक है, एक भाई के आपके साथ ना स्कैम हो गया इस टाइम, वो स्कैम मैं आपको बाद में बताऊंगा यार, बस स्कैम अभी तक हुआ नहीं, दुआ करो कि हो ना, बल्कि आप लोगों ने जब तक दुआ करनी तब तक तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई स्कैम हुआ नहीं हुआ। खैर अभी जी को निकाला है, पैसे खत्म हो गए थे, पैसे अभी ATM आ रहा है, ठीक है भाई अब चलते हैं, ज़रा जिम शिम और एक आधा काम है वो भी करना है इसलिए, ठीक है चलो चलते हैं फिर। तो भाई फिलहाल तुम्हारा भाई आ गया है जिम, टाइम हो गया है, कोई टाइम इधर नज़र नहीं आ रहा वैसे, लेकिन टाइम हो गया तकरीबन 6 बजे का, 6:30 का टाइम हो गया, आज आपका भाई जिम लगाएगा पैक, हाँ हाँ मज़ा आ जाए, मैं कहता हूँ चस्ता जाइए, खैर जिम से फ्री होते हैं और तुम लोग यहाँ पे मेरा पूछा देख सकते कितना भी दर्द हो चुका हुआ है, वो यार इसी वजह से हुआ है ना, गर्मियों में गर्मी में घूम फिर के आए सर है, बाकी बच्चे छोड़ो ये चेक करो, लेवल हो गया, लेवल हो गया,
क्या बात है माशाल्लाह ठीक है ना ब्रदर, वो तो वैसे ऐसे मजाक करो। खैर यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, जिम से निकलता हूँ जिम के बाद घर ही जाना होता है अपने भाई ने, लेकिन तीन पता क्या है कुछ बातें करनी इम्पोर्टेंट, लेकिन वो अभी नहीं मिलता स्टोर बड़ा है बाद में कर लूँगा। भाई लोग जिम से तो मैं आ गया हूँ, ये देखो फ्रूट सैलेड खा रहा हूँ, ये वही फ्रूट सैलेड है जिसका मैंने रिव्यू किया था, चेक करो अंकल ने मुझे अपनी जगह भी बिठाया हुआ है, ये देखो उस सीट पे बैठा हूँ जहाँ पे अंकल बैठे हुए थे, ठीक है क्या मैं बैठ के खा लो जी। तुम्हारे भाई का इस स्टॉल से पीछे लगा हुआ है और यही साथ जो है न्यूली ओपन हुई है कराची नसीब बिरयानी, ठीक है इसका जो है ना अनकरीब आपका भाई रिव्यू करेगा, फिलहाल ये खाते हैं। जिम से वापस आया था मैं, कहा यार भाई भूख बड़ी लगी हुई है किचन काम को जरा ना, और शक्ल दिखा नहीं सकता क्योंकि हालत बड़ी ख़राब हुई हुई है, समझ आ रही है ये सीन है। चेक करो मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने लगा था, ठीक है ये फ्री फलस्तीन की जो है ना रैली चेक करो, और ये है कारी जफर साहब का मदरसा है, ठीक है और ये साथ में इस्लामी पब्लिक स्कूल है, ये चेक करो बच्चे जो है ना किस तरह माशाल्लाह से जो है ना खड़े हुए हैं फ्री फलस्तीन के जो है सेशन में, ये देखो और साथ में वो साउंड वगैरह भी चल रहे हैं, वो देखो फलस्तीन का झंडा जो है, मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ। बाइक वगैरह मैंने इधर ही बंद कर दिया था, खैर अब कॉपीराइट साउंड ना आ जाए, खैर चलते हैं ये देखो। हा 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 भाई साहब चेक करो भाई, चार्ट्स वगैरह पकड़े हुए बच्चों ने, रुको मैं तुम्हें उतर के दिखाता हूँ अच्छे से कवर कर लेते हैं हम इसको, एक अच्छा एक अच्छी चीज़ हुई हुई है ये देखो ज़रा। सरकारी जफर साहब के मदरसे के पास था वो लास्ट में, और अब जो हैं ये बच्चे जो हैं पंजाब पब्लिक स्कूल के, ठीक है उन वो भी जो है फ्री फलस्तीन जो है आज रैली निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चलते हैं क्या पता रास्ते में कोई और भी सीन हो, ठीक है और ये चीज़ भाई भाई साहब ये चेक करो, दो दिखा रही है तीसरा ये आ रहा है भाई फ्री फलस्तीन वाला, भाई साहब ये चेक करो भाई झंडे झंडे फुल यो सीन हो गए, ये तो हर स्कूल के जो बच्चे बच्चे वो दिखा रहे हैं। तो भाई भाई आपका जा रहा है इस टाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है मैं भाई जरा थोड़ा स्लो कर लूँ क्योंकि आगे जाके तो आपके फायर स्टार्टर बन जाना है यार, ये बड़ा एक लेवल सीन हुआ है, मैं घर से निकला हूँ माशाल्लाह से पहले सबसे पहले जो है इस्लामी पब्लिक स्कूल जो है कारी जफर साहब के मदरसे के बिल्कुल सामने जो कि उनके ही बेटे के, ठीक है तो अब्दुलरहमान भाई का वो उनके प्रिंसिपल हैं, अच्छा वहाँ पे उन्होंने फ्री फलस्तीन वाला जो था क्या बड़ा नाम किया हुआ था यार बच्चों में जज्बा, और साथ में वो मार्च कर रहे थे एंड दैट्स ऑल राइट, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया था। फिर उसके अलावा पीछे स्कूल है पंजाब पब्लिक स्कूल, वो फिर उससे पीछे एक और स्कूल है उसका नहीं मुझे पता कौन सा स्कूल है, लेकिन था वो सारे के सारे जो है फ्री फलस्तीन की जो थी रैली निकाल रहे थे, अल्लाह करे बाद आप लोग आ रही हो सही आ रही होगी। खैर मैं चलता हूँ यूनिवर्सिटी जाते हैं फिर मिलते हैं आपको, ठीक है नहीं आधा मेरा दिमाग ना क्यू आर एफ वालों ने खराब किया हुआ यार, ऐसी की तैसी मेन गेट पे गया हूँ, मेन गेट का यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं, अजीब मैंने कहा उधर मैंने जाना है फैसिलिटेशन सेंटर जाना है मुझे मेन गेट से जाना था वहाँ दूर, कहते नहीं जी बैक गेट से जाओ, ये तुम्हारा भाई बैक गेट पे आ गया, वो भाई की तुम्हारी किसी लगी हुई है, चलते हैं भाई और क्या माननी पड़ती है सरकार है ना, सरकार की तो माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी, अजीब कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, कभी हेलमेट के बगैर गुजारा नहीं कभी ये नहीं तो कभी वो नहीं, अभी इधर कार्ड चेक करवाएंगे आगे जाके फिर कार्ड चेक करवाएंगे। अभी मैं ना पूरा यूनिवर्सिटी में एंटर भी नहीं हुआ, गेट पर पहला गार्ड खड़ा हुआ था, ठीक है पीछे शायद नज़र आ रहा हो, उसने कहा ओ हेलो कार्ड, मैं कहा दिखा के अंदर जाऊंगा भाई कार्ड, पहले इधर चेक करो फिर जाके वो उधर पार्किंग में स्कैन करो, पूरा ही काम है यार ये सही काम है भाई, सुबह सुबह जब दिमाग शॉट होता है ना यकीन करो
ऐसा दिल करता है ना कि बस ज़्यादा प्रोमैक्स हुई हुई है। उधर से 2 मिनट लगने थे पैदल चल के, मेरा काम था, हो जाना था, मैंने वापस निकल के चले जाना था। ठीक है, गुस्सा चढ़ रहा है, प्रॉपर गुस्सा चढ़ रहा है। कोई बात नहीं, रिलैक्स 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 रिलैक्स, सुकून। तो भाई लोग, भाई अब यूनिवर्सिटी से वापस भी आ रहा है, वापस आ रहा है, बस थोड़ा सा काम था क्योंकि आज मेरे लेक्चर्स नहीं थे। ठीक है, लेक्चर्स नहीं थे, थोड़ा सा काम था, बैच एडवाइजर से मिलना था, उनसे मिल लिया, काम मेरा हो गया और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। आज के वो लोग को मैं करता हूँ यहाँ पर ही एंड। यार दुआ करो तुम्हारे भाई के लिए ना, प्रॉपर कंटेंट निकले यार किसी तरीके से ना, फिर मजा आएगा। ठीक है ना, कहते तो मजा नहीं आ रहा। अब मैंने कल आधा व्लॉग शूट किया, आधा व्लॉग अब शूट किया, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक हो गया, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।